Hello guys, what is up? Good morning. This is SID and you're watching Sid Vlogs. And this whole video will be about my whole career switch. So let's go. First week of the class and detail or information about my new career. इसके पहले पोस्ट कर चुका रहूँगा या फिर आगे मैं बताऊँगा. फाइनली ठाणे आ चुका हूँ. पहले ऑटो लिया फिर बस लिया. नाउ गोइंग टू द क्लासेस. रीच द क्लास. सेकेंड वीक ऑफ द क्लास एंड कोर्स इज गेटिंग लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे. लेकिन अभी तक इतना भी नहीं हुआ है. एक्चुअली मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ, इसकी वजह से वहाँ देख रहा हूँ बार बार. एंड ऑटो इज ऑन द वे. चलो बाय. सो फाइनली तीनाथ नाका पे आ चुका हूँ एंड यहाँ से क्लास तक चल के जाना पड़ता है, विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 900 meters. सो चलो. सो टॉकिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट, मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ मोबाइल नीचे रख के, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि सबके सामने ऐसे करके चलूँ. यू माइट फाइंड मी कॉन्फिडेंट इन सम ब्लॉग, बट I had my friends in that, so तब मेरे को इतना weird feel नहीं होता. Otherwise, yeah. So sorry about that. अब इसके बारे में हार्वर्ड वगैरह ने कहा है कि सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st century एंड blah blah blah. तो बूमिंग है जो कि एक्चुअली है. सर्वेस के हिसाब से भी जॉब ओपनिंग स्टिल 2025 भी बहुत होने वाले. सो बहुत लोगों के लिए प्रॉमिसिंग करियर रह चुका है, बहुत के लिए नहीं भी होगा. बट लेट्स फाइंड आउट मेरे लिए क्या टर्न आउट होता है इसके बारे में. इफ दिस टर्न आउट टू बी प्रॉमिसिंग करियर फॉर मी, देन लेट्स सी. 6 months ऑफ क्लास, देन वी विल गिव 6 months फॉर माई करियर. एक साल में क्या प्रोग्रेस होता है वी विल सी. सो ये फुल 6 months का कंपाइलेशन होने वाला है. सजे रोज़ नहीं दिखाऊंगा, अभी उतरा अभी चल के जा रहा है एंड ऑल दैट. इट विल बी अ क्विक वन, बस ये वीडियो सेव करके रखूँगा. एंड एक्चुअली मोर देन 6 months, फिर एंड में प्रॉपर प्रोसेस भी बताऊँगा क्या है कैसा है. 3 months तक क्लासेस हैं, उसके बाद से तो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि रोज़ जाना पड़ेगा. एंड देन इंटरव्यू एंड ऑल दैट, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस टिल आई गेट द जॉब. जब तक जॉब नहीं लगता तब तक का ये व्लॉग रहने वाला है. सो यस, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. काफ़ी बरसों बाद 6 बजे उठा हो एंड द रीज़न इज जिम. यस, मोस्टली इवनिंग की आदत है, बट अभी क्लासेस वगैरह का सीन चल रहा है तो सोचा और थोड़ा जल्दी उठ के सुबह ही निपटा लिया जाए. हेलो, जिम का सीन हो चुका है. आई होप आज जगह मिले बैठने के लिए, बिकॉज बहुत महीनों बाद वर्कआउट हुआ है एंड अच्छा खासा अभी वाट लगने वाले. कल तो बहुत जान पे आएगा सुबह उठने के लिए. लेट्स सी. तो लकीली जगह मिल गया, मस्त बैठ के आया. अभी अगेन गोइंग फॉर द क्लास एंड एक्सपीरियंस टिल नाउ इज गुड. थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. देखते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत, तभी कुछ हो सकता है. The outlets have been detected into the ambient IQ, PM, torque and we got completed till here and after this I was planning to do X and Y train test. Hello, what is up? Welcome back. बहुत टाइम बाद ब्लॉग चालू किया है, 2-3 महीना या उससे ज़्यादा आई थिंक सो गैप हुआ. सो बीच में बहुत कुछ होके गया, मेरे को याद भी नहीं पिछले टाइम क्या ब्लॉग किया था इन डेटा साइंस जर्नी. सो थोड़ा अंदाज़ा लगा के आइडिया दे देता हूँ. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई प्रोजेक्ट एंड देन असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, देन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आई थिंक वहाँ तक मैंने दिखा दिया था. फिर उसके बाद से आई केम टू नो दैट IBM का एग्ज़ाम देने के लिए डेटा एनालिस्ट का असाइनमेंट होना भी कंपलसरी है. एक्चुअली कंबाइंड कोर्स था ना, डेटा साइंस प्लस डेटा एनालिस्ट. सो डेटा एनालिस्ट का भी देना पड़ेगा, पहले वैसे नहीं था. सो दैट वाज द न्यू रूल. तो फिर थोड़ा टाइम फिर से 15 दिन डेटा एनालिस्ट का असाइनमेंट करने में चले गए एंड देन फिर उसके बाद आई टूक अ
फुल 1 month का गैप जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द मॉक इंटरव्यू. सो पूरा डेटा साइंस का, पाइथन का, डेटा एनालिस्ट का पूरा सिलेबस फिर से अच्छे से प्रिपेयर किया. मतलब बिकॉज उसका अटेम्प्ट तो बहुत सारे थे, बट थिंग इज पहला अटेम्प्ट फेल हो गया मॉक इंटरव्यू का, तो फिर 15 दिन का गैप था, उसके बाद और एक स्लॉट था, तो उतना टाइम पास नहीं कर सकते थे. और वो क्लियर करने के बाद से ही XLR वाले तुम लोग को प्लेसमेंट सेल में डालेंगे, उसके बाद से तुमको प्लेसमेंट आना चालू होगा. सो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया दिल लगा के, एंड गेस वॉट, तुम्हारा भाई एक नंबर है. पहले अटेम्प्ट में मॉक इंटरव्यू क्लियर कर दिया, एंड ईजी नहीं था, पूरा सिलेबस पूछा था मैडम ने. सो बट आई मेड इट, सो आई गॉट सिलेक्टेड विद इन द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू. एंड देन उसके बाद से फिर से थोड़ा गैप हो गया, मेरे पर्सनल काम वगैरह थे. एंड विद इन 1 week के बाद से आई स्टार्टेड अप्लाइंग. ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी गॉट एनरोल्ड इनटू द प्लेसमेंट सेल, लेकिन एक आध हफ्ते तक, हाँ, गणपति बप्पा आ गए थे, तो फिर एक आध हफ्ता 10 दिन तक मैंने कुछ किया नहीं. फिर उसके बाद से मैंने अप्लाई करना चालू किया आफ्टर 5 days ऑफ गणेश फेस्टिवल. सो अभी सीन ऐसा है कि आज मैंने बात किया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टार्टअप फ्रॉम बैंगलोर. उनका स्टार्टअप है न्यूयॉर्क दुबई एंड वॉट वी से ऑफकोर्स बैंगलोर लॉन. सो बैंगलोर में भी स्टार्टअप है, सिमसी वेंचर्स करके है, यू गाइस कैन गूगल इट. सो कल परसों के दिन कॉल आया था, बातचीत वगैरह हुआ, एंड देन फिर आज मीटिंग था दोपहर को ऑनलाइन, इंटरव्यू था. और फिर तुम्हारा भाई तो एक नंबर, तुमको पता है पहला इंटरव्यू आई क्रैक्ड इट. एंड ही वॉज लाइक कि ओके तुम्हारा कब जॉइनिंग है बता दो, बट सैटरडे आई एम गोइंग टू दुबई, एंड टुडे इज 15 सितंबर थर्सडे, एंड मुंबई से बैंगलोर जाना वाया ट्रेन 24 घंटा लगता है. सो आज के आज ही टिकट बुक किया, कल निकल रहा हूँ जस्ट टू मीट, बिकॉज रिक्वेस्टेड कि एक बार आके पर्सनली मिल लोगे तो अच्छा लगेगा, इफ इट्स पॉसिबल, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन डायरेक्टली कम ऑन द जॉइनिंग डेट. आई वॉज लाइक कि वैसे भी कोई जॉब कर नहीं रहा हूँ अभी, सो मिल ही लेते, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा. अभी फटाक से टिकट वगैरह बुक किया, कल सुबह मैं अपने भाई के साथ निकल रहा हूँ टू बैंगलोर. तो कल बैंगलोर जाके सर के साथ मीटिंग वगैरह होगा, मीटिंग इन द सेंस ही जस्ट वॉन्टेड टू मीट फेस टू फेस. सो ही वॉज लाइक कि वाई डोंट यू कम एंड मीट मी वंस जस्ट बिफोर गोइंग टू दुबई, बिकॉज एक बार जाने के बाद से फिर से रिटर्न आना आई डोंट थिंक इतना जल्दी हो पाएगा इसके वजह से. तो फिर आई वॉज लाइक ओके फाइन, तो फिर येस कल जा रहा हूँ. सो माई न्यू जर्नी विल बी स्टार्टिंग इन बैंगलोर इन टू द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. सो या विश मी लक, ब्लॉग अभी बाकी है. गुड मॉर्निंग गाइज, 7:10 हो चुके हैं, 7:30 बजे तक निकलेंगे, कल्याण से 9 बजे का ट्रेन है. सो लेट्स गो. ये ब्लॉग छोटा और कट्टूकट ही रखूँगा, बिकॉज डेटा जर्नी के जो पिछले टाइम के वीडियोज़ है उसका भी आई थिंक सो गुड इनफ मिनट्स हो चुका रहेगा, तो ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा. सो अभी के बैंगलोर का कट टू कट रखूँगा, और आई थिंक सो ये ब्लॉग मैं उधर ही एंड करने वाला हूँ. और फिर एक हफ्ते बाद से या 10 दिन के बाद से जब मैं रिटर्न जाऊँगा, देन दैट विल बी अनदर और सेपरेट बैंगलोर ब्लॉग. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. मगर आईडी हो. सो फाइनली रूम ले चुके हैं, स्टेशन के पास में है, ऑफलाइन अभी ऑन द स्पॉट थोड़ा 15-20 मिनट घूमे तो एक होटल में डिसेंट सा रूम मिल गया. सो लेट्स गो. इसके बाद से अभी मेन ऑफिस का एड्रेस मंगाया था, अभी आ चुका है, यहाँ से थोड़ा दूर है बट चले जाएंगे. सो गाइस रेडी फॉर द मीटअप आफ्टर द इंटरव्यू, रेडी फॉर द मीटिंग, लेट्स गो. विमल जुबा केसरी. सो सर के साथ मीटिंग हो चुका है, एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, सब कंफर्म हो गया है. अभी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ आई हैव अ जॉब राइट नाउ, आई हैव अ जॉब ऑफर. वैसे 90% कंफर्म ही था बट स्टिल. एनीवेज अभी पेइंग गेस्ट ढूंढ रहे आजू बाजू. सो व्हाट टाइम लगा, फाइनली एक बस पकड़ी, एक
मिड स्टॉप पे आए, फिर यहाँ से मेट्रो से जाएंगे. सो लेट्स एक्सप्लोर द मेट्रो. साढ़े चार हो गए, अभी फिर से ऑफिस जा रहे हैं. ऑफिस का पार्टी तो सर ने इनवाइट किया दोनों को, आ जाओ करके. फॉर्मल्स वगैरह सब होते रहेंगे, आ जाओ डायरेक्टली ऐसे ही. पेपर वर्क कर लेंगे बाद में, लेट हो रहा है. चलो हाँ, तो मोहित चौहान आ रहे हैं आज, तो चलो भाई की सिंगिंग भी सुन लेंगे पर्सनली. निकल रहे घूमने के लिए. पीजे का बंदोबस्त हो चुका है, पीजी का एक दो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो लकीली आज शाम तक का टाइम है, तो अभी घूमेंगे. ये सेफ्टी के लिए रखा था, अगर कुछ पीजी वगैरह नहीं मिलता तो. तो अभी हम लोग फरारी का हेलमेट लिए मस्त पे की, मेरे पास भी है. हाँ, और फरारी पे नहीं लेकिन एक्टिवा पे घूमेंगे अभी. चलो, सो दिस इज द एक्टिवा वोगो. यहाँ पे एप्लीकेशन है एक वोगो करके, वहाँ से बुक कर सकते हैं. इट्स गुड, बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स का फायदा. सो गाइज, अभी आ चुके लालबाग बॉटनिकल गार्डन. इट्स अ वेरी बिग गार्डन. यहाँ पे पिकनिक विकनिक के लिए आते लोग वन डे वगैरह के लिए. आज संडे तो गर्दी विर्दी भी मस्त है, क्राउड है. सो चलो लेट्स गो. 25 रुपीज इज आई थिंक पर टिकट.
देखो गाइस, इतना बड़ा है गार्डन, बर्ड्स आई व्यू ऑफ लालबाग, 1 to 22 स्पॉट्स आर देयर। ये छोटा सा ट्रैकिंग एक स्टोन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, एक्चुअली बड़ा स्टोन ही है ना, पत्थर टाइप ही है। अरे अखंड है आपका एक, हाँ पूरा एक ही पत्थर है, ऊपर मंदिर है, ऊपर चलते हैं अभी। गाइस ये पेड़ देखो, कैमरे का पता नहीं वीडियो में, लेकिन लिटरली बहुत बड़ा है। रुको मैं कंपैरिजन के लिए जाता हूँ। हाँ दिखा रहे मदे मदे रहा उबा। ये गेट से एंट्री नहीं है, बट वहाँ पे फोटो निकालते लोग खड़ा रह के। एंड बाजू में बोनसाई पार्क है, दैट इज लाइक जैपनीज पार्क, वहाँ पे शायद जा सकते हैं। लेट्स सी। सो गाइस, दिस बोनसाई पार्क नॉर्मली भरा हुआ रहता है, बट आई थिंक आउट ऑफ सीजन वाला सीन चल रहा है। एंट्री पे भी पूरा भरा हुआ रहता है गेट एंड ऑल, अभी खाली है पूरा। देखो 100 रुपये प्रिंट हम लोग निकाल लिए ऐसे टाइम पास। लेट्स सी, साइज इज बिग। चलो फिर निकलते हैं अभी। बहुत सारे स्पॉट्स बंद थे ड्यू टू ऑफ सीजन या फिर कुछ मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, इसकी वजह से ज़्यादा दिखा नहीं पाया। लोटस पॉन्ड वगैरह तो लोटस ही नहीं है, रोज गार्डन बंद है, वैसे सब कुछ। सो लेट्स गो, थोड़ा आजू बाजू एक्सप्लोर करते हैं और देन वी विल हैव द लंच। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सीएसटी जैसे है। संध्याकाळी मस्त लाइट बीड असतात ना गाइस, एम्ब्लेम बघ ना। सो फाइनली निकल रहे, बैकपैक वगैरह हो गया है। अभी आई डोंट थिंक कुछ व्लॉग करने जैसा रहेगा, बट लेट्स सी। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड आई डिडंट एक्सप्लेन अबाउट डेटा साइंस, आई थिंक सो गूगल कर लो यार, अभी जाने दो। सो द थिंग इज, यू विल हैव टू डील विद मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट। एंड कंपनी के हिसाब से थोड़ा मोल्ड होना पड़ेगा, कौन सा जॉब रोल है, क्या है, कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर डिपेंड है। सो राइट नाउ अभी तो मेरा डेटा एनालिस्ट का चल रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद से अभी धीरे 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 डेटा साइंस का काम मिलना चालू होगा। डायरेक्टली मिलना मुश्किल है, एंड एक बार फिर काम मिलना चालू हुआ तो वही फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ट्रेन एंड टेस्ट, ट्रायल एंड एरर स्टफ, मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। बाकी तो बहुत डीप है, प्लीज़ डू गूगल इट, तुम लोग को और अच्छे से आइडिया आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट,
सब अच्छा चल रहा है, सब मजे में. हैव अ गुड लाइफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इसके बाद का ब्लॉग आएगा अबाउट दी हैदराबाद एग्जीबिशन जो मैं कंपनी की तरफ से गया था. सो इट वॉज फन. इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम TGS हैदराबाद. सो हम लोग ने भी पार्ट लिया था. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यस, ये भी अपलोड करूँगा. एंड जब तक मेरा बाइक भी आ जाएगा एंड वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बैंगलोर.